हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो यार आज हम लोग बात करेंगे अरन्या मूवी की, जो कि 3 अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड के वजह से ये सिर्फ तेलुगु और तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई है, ये हिंदी में रिलीज नहीं हुई है। इसका हिंदी टाइटल नेम था हाथी मेरे साथी और तेलुगु टाइटल नेम है अरन्य और तमिल टाइटल नेम है कड़म। तो यार हिंदी में ना रिलीज़ होने की वजह से मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई, लेकिन मूवी तो देखना ही था, तो इसीलिए मैंने इसको तेलुगु लैंग्वेज विद इंग्लिश सबटाइटल्स देखे। मूवी की ओवरऑल लेंथ 2 घंटे 10 मिनट की है और कहानी फोकस करती है राणा दुर्गापति के कैरेक्टर अरन्या पे, जो कि इंडिया फॉरेस्ट मैन है। इन्होंने इस जंगल में 1 लाख ट्रीज लगाए और इतना ही नहीं, इनको APJ अब्दुल कलाम के हाथों अवार्ड भी मिल चुका है। खैर अरन्या का परिवार पिछले 3 पीढ़ियों से इस जंगल की हिफाजत करता है, या तो कह सकते हैं कि वो इस जंगल के केयर टेकर है। अरन्या इस जंगल में रहने वाले बर्ड्स एनिमल सबसे बात कर सकता है उनकी ही लैंग्वेज में। आप जब इस मूवी में देखते हो तो ऐसा लगता है कि यार ये कहीं जंगल के टार्जन तो है नहीं, क्योंकि ये लगभग ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कर सकते हैं जो हमने बचपन में मोगली को देखा था करते हुए। खैर अब कहानी में ट्विस्ट अब आता जब एक करप्ट पॉलिटिशियन इस जंगल में अपनी टाउनशिप बनाना चाहता है। फिर उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। खैर अब बात करेंगे इस मूवी के कॉन्सेप्ट की, जो कि शुरुआत में ऐसा लगता है कि यार हॉलीवुड को भी लोग नहीं पीछे कर दे रहे कि वो जंगल का व्यू प्लस वो एनिमल्स की आवाज़ और जिस तरीके से हर एक अलग अलग एंगल से फॉरेस्ट को बताया, वो मतलब आपको ऐसा लगता है कि यार ये लोग हॉलीवुड को टक्कर दे रहे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मूवी प्रोग्रेस होती है वैसे वैसे प्लॉट काफ़ी प्रिडिक्टेबल बन जाता है और फिर आपको ऐसा लगता है कि यार मूवी और भी अच्छी बन सकती थी। मूवी की जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसकी सिनेमेटोग्राफी। यार जब आप लोग इस पर्टिकुलर मूवी को देखोगे ना, तो जो फॉरेस्ट के जितने भी सीन्स हैं ना, उसको इतनी खूबसूरती से यहाँ पर प्रेजेंट किया, आपके आँखों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। उस पर जो CGI डाले, चाहे वो बर्ड का CGI हो चाहे वो टाइगर का CGI हो, CGI यहाँ पर डिसेंट है लेकिन देखकर अच्छा लगता है। और साउथ की कोई मूवी में अगर इस तरीके की या इस लेवल के CGI हो तो भाई उनकी तारीफ तो बनती है। उसके अलावा मूवी में अगर एक्शन सीक्वेंस की बात करें तो यार बहुत ही अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया है, चाहे वो फॉरेस्ट के एक्शन सीन्स हो चाहे वो सिटी के एक्शन सीन्स हो, दोनों ही देखकर मज़ा आता है। लेकिन जो सिटी वाला एक्शन सीन है वो मुझे ज़्यादा पर्सनली अच्छा लगा। मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है भाई, आपको सीधा वो फॉरेस्ट में पहुँचाया था। वो हर एक एनिमल की आवाज़ सुनोगे ना, वो थिएटर में जो एक्सपीरियंस था ना यार, मैं ऐसा लग रहा था मतलब आंखें बंद करके मैंने वो सारी चीज़ें फील कर पा रहा था इसके BGM के थ्रू। इसके अलावा मूवी में आपको कुछ सब प्लॉट्स देखने को मिलेंगे जिनको अच्छी तरह से डेवलप नहीं किया और वो मुझे एक नेगेटिविटी लगी इस मूवी की। फॉर एग्जांपल जो नक्सलाइट मूवमेंट है वो भी बताया लेकिन उसको पूरी तरह से नहीं बताया। उसके अलावा विष्णु विशाल जो कि इस मूवी में सिंगा का रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी एक लव स्टोरी बताई एक नक्सली से, तो उस लव स्टोरी को भी कुछ खासा डेवलप नहीं किया, ना ही कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिससे हम लोग उन पर्टिकुलर कैरेक्टर से भी कनेक्ट हो जाए, तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सा माइनस पॉइंट लगा। लेकिन विष्णु विशाल और उनका एक हाथी बताया यहाँ पर, तो उनके बीच की जो केमिस्ट्री थी ना, और एक मोमेंट ऐसा था, मैं यहाँ पर स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ लेकिन वो चीज़ मुझे यहाँ पर बतानी पड़ेगी कि विष्णु विशाल का एलिफेंट की डेथ होती है, तो वहाँ पर जो एक इमोशनल चीज़ आप फील कर पाते हो ना, वो आप वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और वही एक पर्टिकुलर सीन ऐसा है जहाँ पर मुझे बहुत ही एक अलग ही फीलिंग हो रही थी। उसके अलावा यहाँ पर जितने भी एलिफेंट्स बताए उनके साथ जब भी कुछ चीज़ें होती है तो वो एक्चुअली आपके दिल में लगती है, पता नहीं क्यों, पर वो आप लोग महसूस कर पाते हो। उसके अलावा मूवी में अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई राणा दुर्गापति ने पूरी तरह से इस मूवी को खा लिया है। जो एनर्जी से उन्होंने परफॉर्मेंस किया और जिस तरीके से वो फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे थे, वो ऐसा कुछ कह रहे थे ना, वो बस एक एक्टर ही कर सकता है। और लिटरली आप बिलीव करते हो कि यार वाकई में ये इंडिया फॉरेस्ट मैन है, और अगर कोई इंडिया का फॉरेस्ट मैन होगा तो वो बिल्कुल इसी तरह के गेटअप में होगा और इसी तरह से वो बिहेव करेगा और वो हर एक चीज़ किस तरह से फील करेगा, वो हम राणा दुर्गापति के कैरेक्टर में महसूस कर पाते हैं। उसके अलावा विष्णु विशाल का काम मुझे इतना ज़्यादा नहीं लगा, लेकिन जितना भी था उन्होंने अपने हिस्से के रोल को अच्छी तरह से निभाया। और हाँ, श्रेया पिलगांवकर का भी रोल यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, बस कहने के लिए रोल है, तो उन्होंने भी अपने रोल को अच्छी तरह से निभाया। बाकी जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स हैं लोगों ने डिसेंट काम किया इस पूरी मूवी में। और हाँ, डायरेक्शन की बात करो तो यार डायरेक्शन वीक है, क्योंकि उनके पास बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन यहाँ पर
ऐसा लग रहा है मुझे कि डायरेक्टर उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए और इसी वजह से ये मूवी एक डिसेंट मूवी बनकर रह गई ये स्टोरी के मामले में, वरना सिनेमेटोग्राफी और BGM और परफॉर्मेंस तो भाई क्लास है इस मूवी का। और पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो यस, ये आप अपनी फैमिली के साथ जाके देख सकते हो। हिंदी में ये मूवी फिलहाल रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन शायद जब कोविड का टेंशन ख़त्म हो जाएगा तो मे बी ये हिंदी में भी रिलीज़ हो जाए। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 7 out of 10। वॉचेबल मूवी है, लेकिन अगर इसको स्टोरी वाइज देखा जाए तो ये एक डिसेंट मूवी बन के रह गई है। तो यार बस इस वीडियो में इतना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो। अगर आपने ये मूवी जाके चेकआउट की हो तो आपको ये मूवी कैसी लगी और आपको इसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स लगे वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।